नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रहस्य दुनिया हिंदी पर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वात, पित्त और कफ क्या होते हैं, इनके बढ़ने या घटने से कौन से रोग होते हैं, आपकी तासीर वात है, कफ है या पित्त है, वात, पित्त और कफ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और भी वात, कफ और पित्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसी फ्री में मिलने वाली औषधि बताऊंगा जिसे लेने से आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। दोस्तों, वीडियो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और शरीर से बढ़कर कुछ नहीं होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में हो माया। डॉक्टर के पास समय ना देना पड़े, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर बना है और वह 5 तत्व हैं जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वस्थ होना इन तीनों चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में है तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ा तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष कहा जाता है। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण ही इन्हें त्रिदोष कहा जाता है। प्रत्येक दोष में ऊपर बताए गए 5 तत्वों में से 2 तत्व होते हैं और उन्हीं तत्वों के स्वभाव के आधार पर इन दोषों के लक्षण निर्धारित होते हैं। जैसे कि वात दोष आकाश और वायु इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। इन दोषों के असंतुलित होने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला है इन दोषों में बढ़ोतरी और दूसरा इनमें कमी। वैसे देखा जाए तो किसी भी दोष में बढ़ोतरी होने से ही रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अगर दोष स्वयं ही कमी की अवस्था में है तो वह रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। आपकी खराब जीवन शैली और खान पान से इनका प्रभाव बदलता रहता है और यही बीमारियों के मुख्य कारण है। इसे ऐसे समझें कि अगर आप कफ दोष को बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो आपको कफ दोष से जुड़े रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। असल में हमारे शरीर का निर्माण दोष, धातु और मल, इन तीनों से मिलकर हुआ है और इसमें भी दोष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जब ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ा तो आप किसी न किसी रोग के शिकार हो सकते हैं। ये तीनों दोष खुद दूषित होकर धातु और मल को भी प्रभावित कर देते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इन दोषों को संतुलित होना ही स्वस्थ होने की पहली निशानी है। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है उसमें रोग का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि रोग के लक्षणों का इलाज किया जाता है। इसलिए बीमारी ठीक होने के बाद वापस आ जाती है, लेकिन आयुर्वेद में रोग की जड़ को ही खत्म कर दिया जाता है, इसलिए रोग वापस नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात क्या होता है इसे समझ लेते हैं। वात दोष वायु और आकाश इन दोनों तत्वों से मिलकर बना है। वात या वायु दोष को तीनों दोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया वात के कारण ही संभव है। चरक संहिता में वायु को ही पाचक अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। वात का मुख्य स्थान पेट और आंत में है। वात में योगवाहिता या जोड़ने का एक खास गुण होता है। इसका मतलब है कि यह अन्य दोषों के साथ मिलकर उनके गुणों को भी धारण कर लेता है। जैसे कि जब यह पित्त दोष के साथ मिलता है तो इसमें दाह, गर्मी वाले गुण आ जाते हैं, और जब यह कफ के साथ मिलता है तो इसमें शीतलता और गीलेपन जैसे गुण आ जाते हैं। अब बात करते हैं वात के प्रकार की। शरीर में इनके निवास स्थान और अलग अलग कामों के आधार पर वात को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राण, दूसरा उदान, तीसरा समान, चौथा व्यान, पांचवा अपान। आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ वात के प्रकोप से होने वाले रोगों की संख्या ही 80 के करीब है। अब बात करते हैं वात के गुण की, तो इसमें रूखापन, शीतलता, लघु, सूक्ष्म, चंचलता, चिपचिपाहट से रहित और खुरदुरापन वात के गुण है। रूखापन वात का स्वाभाविक गुण है। जब बात संतुलित अवस्था में रहता है तो आप इसके गुणों को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन बात के बढ़ने या असंतुलित होते ही
आपको इनके गुणों के लक्षण नजर आने लगेंगे। अब समझते हैं कि बात प्रकृति की विशेषताएं क्या क्या हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों के इलाज में उसकी प्रकृति का विशेष योगदान रहता है। इसी प्रकृति के आधार पर रोगी को उसके अनुकूल खान पान और औषधि की सलाह दी जाती है। बात दोष के गुणों के आधार पर ही बात प्रकृति के लक्षण नजर आते हैं, जैसे रूखापन गुण होने के कारण, भारी आवाज, नींद में कमी, दुबलापन और त्वचा में रूखापन जैसे लक्षण होते हैं। शीतलता गुण के कारण ठंडी चीजों को सहन न कर पाना, जाड़ों में होने वाले रोगों की चपेट में जल्दी आना, शरीर कांपना जैसे लक्षण होते हैं, शरीर में हल्कापन, तेज चलने में लड़खड़ाने जैसे लक्षण लघुता गुण के कारण होते हैं। इसी तरह सिर के बालों, नाखूनों, दांत, मुंह और हाथ पैरों में रूखापन भी बात प्रकृति वाले लोगों के लक्षण हैं। स्वभाव की बात की जाए तो बात प्रकृति वाले लोग बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होना या चिढ़ जाना और बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाना भी बात प्रकृति वाले लोगों के स्वभाव में होता है। अब समझते हैं कि बात बढ़ने के क्या कारण होते हैं। जब आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको बताते हैं कि आपका बात बड़ा हुआ है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल हमारे खान पान, स्वभाव और आदतों की वजह से ही बात बिगड़ जाता है। बात के बिगड़ने के प्रमुख कारण निम्न होते हैं। मलमूत्र या छींक को रोक कर रखना, खाए हुए भोजन के पचने से पहले ही कुछ और खा लेना और अधिक मात्रा में खाना, रात को देर रात तक जागना, तेज बोलना, आपकी क्षमता से ज्यादा मेहनत करना, सफर के दौरान गाड़ी में तेज झटके लगना, तीखी और कड़वी चीजों का अधिक सेवन, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना, हमेशा चिंता या मानसिक परेशानी में रहना, ज्यादा सेक्स करना, ज्यादा ठंडी चीजें खाना, व्रत रखना। ऊपर बताए गए इन सभी कारणों की वजह से बात दोष बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में और बूढ़े लोगों में इन कारणों के बिना भी बात बढ़ जाता है। बात बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं। बात बढ़ जाने पर शरीर में तमाम तरह के लक्षण नजर आते हैं। आइए जानते हैं उनमें से कुछ प्रमुख लक्षणों को। आंखों में रूखापन और जकड़न, सुई के चुभने जैसा दर्द, हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, हड्डियों का खिसकना और टूटना, अंगों में कमजोरी महसूस होना एवं अंगों में कपकपी, अंगों का ठंडा और सुन्न होना, कब्ज, नाखून, दांतों और त्वचा का फीका पड़ना, मुंह का स्वाद कड़वा होना। अगर आप में ऊपर बताए गए लक्षणों में से दो या तीन या उससे ज्यादा लक्षण नजर आते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके शरीर में बात दोष बढ़ गया है। ऐसे में नजदीकी चिकित्सक के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। बात को संतुलित करने के लिए क्या उपाय हैं? बात को शांत या संतुलित करने के लिए आपको अपने खानपान और जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। आपको उन कारणों को दूर करना होगा जिसकी वजह से बात बढ़ रहा है। बात प्रकृति वाले लोगों को खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत खानपान से तुरंत बात बढ़ जाता है। खानपान में किए गए बदलाव जल्दी असर दिखाते हैं। बात को संतुलित करने के लिए क्या खाना चाहिए। घी, तेल और फैट वाली चीजों का सेवन करें। गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ से बनी चीजों का सेवन करें। नमकीन छाछ, मक्खन, ताजा पनीर, उबले हुए गाय के दूध का सेवन करें। घी में तले हुए सूखे मेवे खाएं, या फिर बादाम, काजू के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीजों को पानी में भिगोकर खाएं। खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, शकरकंद आदि सब्जियों का नियमित सेवन करें। मूंग दाल, राजमा, सोया दूध का सेवन करें। बात प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप बात प्रकृति के हैं तो इन चीजों का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। साबुत अनाज जैसे कि बाजरा, जौ, मक्का, ब्राउन राइस आदि के सेवन से परहेज करें। किसी भी तरह की गोभी जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली आदि से परहेज करें। जाड़ों के दिनों में ठंडे पेय पदार्थों जैसे कि कोल्ड कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, फलों के जूस आदि ना पिएं। नाशपाती, कच्चे केले आदि का सेवन ना करें। जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए। जिन लोगों का बात अक्सर असंतुलित रहता है, उन्हें अपनी जीवन शैली में ये बदलाव लाने चाहिए। एक निश्चित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें। रोजाना कुछ देर धूप में टहलें और आराम भी करें। किसी शांत जगह पर जाकर रोजाना ध्यान करें। गर्म पानी से
और बात को कम करने वाली औषधियों के काढ़े से नहाएं। औषधियों से तैयार काढ़े को टब में डालें और उसमें कुछ देर तक बैठे रहें। गुनगुने तेल से नियमित मसाज करें। मसाज के लिए तिल का तेल, बादाम का तेल और जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। मजबूती प्रदान करने वाले एक्सरसाइजों को रोजाना की दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अब समझते हैं बात में कमी के लक्षण और उपचार को। बात में बढ़ोतरी होने की तरह बात में कमी होना भी एक समस्या है और इसकी वजह से भी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। आइए पहले बात में कमी के प्रमुख लक्षणों के बारे में जानते हैं। बात में कमी के प्रमुख लक्षण: बोलने में दिक्कत, अंगों में ढीलापन, सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त में कमी, बात के स्वाभाविक कार्यों में कमी, पाचन में कमजोरी, जी मचलाना। क्या होता है इसका उपचार? बात की कमी होने पर बात को बढ़ाने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। कड़वे, तीखे, हल्के एवं ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। इनके सेवन से बात जल्दी बढ़ जाता है। इसके अलावा बात बढ़ने पर जिन चीजों के सेवन की मनाही होती है उन्हें खाने से बात की कमी को दूर किया जा सकता है। साम और निराम बात क्या होते हैं? हम जो भी खाना खाते हैं उसका कुछ भाग ठीक से पच नहीं पाता है और वह हिस्सा मल के रूप में बाहर निकलने की बजाय शरीर में ही पड़ा रहता है। भोजन के इस अधपके अंश को आयुर्वेद में आम रस या आम दोष कहा गया है। जब बात शरीर में आम रस के साथ मिल जाता है तो उसे साम बात कहते हैं। साम बात होने पर निम्न लक्षण नजर आते हैं: मल मूत्र और गैस बाहर निकालने में दिक्कत, पाचन शक्ति में कमी, हमेशा सुस्ती या आलस महसूस होना, आंतों में गुड़गुड़ाहट की आवाज, कमर दर्द। यदि साम बात का इलाज ठीक समय पर नहीं किया गया तो आगे चलकर ये पूरे शरीर में फैल जाता है और कई बीमारियां होने लगती हैं। जब बात आम रस युक्त नहीं होता तो यह निराम बात कहलाता है। निराम बात के प्रमुख लक्षण त्वचा में रूखापन, मुंह जीभ का सूखना आदि हैं। इसके लिए तेलीय खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें। अगर आप बात प्रकृति के हैं और अक्सर बात के असंतुलित होने से परेशान रहते हैं तो वीडियो में बताए गए नियमों का पालन करें। यदि समस्या ठीक नहीं हो रही हो या गंभीर हो तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें। अब जानते हैं कि पित्त दोष क्या है। पित्त दोष अग्नि और जल इन दोनों तत्वों से मिलकर बना है। यह हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स और एंजाइम्स को नियंत्रित करता है। शरीर की गर्मी जैसे कि शरीर का तापमान, पाचक अग्नि जैसी चीजें पित्त द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। पित्त का संतुलित अवस्था में होना अच्छी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शरीर में पेट और छोटी आंत में पित्त प्रमुखता से पाया जाता है। ऐसे लोग पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे कि कब्ज, अपच, एसिडिटी आदि से पीड़ित रहते हैं। पित्त दोष के असंतुलित होते ही पाचक अग्नि कमजोर पड़ने लगती है और खाया हुआ भोजन ठीक से पच नहीं पाता है। पित्त दोष के कारण उत्साह में कमी होने लगती है, साथ ही हृदय और फेफड़ों में कफ इकट्ठा होने लगता है। अब जानते हैं पित्त के प्रकार। शरीर में इनके निवास स्थानों और अलग अलग कामों के आधार पर पित्त को 5 भागों में बांटा गया है: पाचक पित्त, रज्जक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। केवल पित्त के प्रकोप से होने वाले रोगों की संख्या 40 मानी गई है। अब जानते हैं पित्त के गुणों को। चिकनाई, गर्मी, तरल, अम्ल और कड़वा पित्त के लक्षण हैं। पित्त पाचन और गर्मी पैदा करने वाला वह कच्चे मांस जैसी बदबू वाला होता है। निराम दशा में पित्त रस कड़वे स्वाद वाला पीले रंग का होता है, जबकि साम दशा में यह स्वाद में खट्टा और रंग में नीला होता है। किसी भी दोष में जो गुण पाए जाते हैं उनका शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उसी से प्रकृति के लक्षणों और विशेषताओं का पता चलता है। अब समझते हैं कि पित्त की प्रकृति की क्या विशेषताएं हैं। पित्त की प्रकृति वाले लोगों में कुछ खास तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके आधार पर आसानी से उन्हें पहचाना जा सकता है। अगर शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो मध्यम कद का शरीर, मांसपेशियों व हड्डियों में कोमलता, त्वचा का साफ रंग और उस पर तिल मस्से होना पित्त प्रकृति के लक्षण हैं। इसके अलावा बालों का सफेद होना, शरीर के अंगों जैसे कि नाखून, आंखें, पैर के तलवे, हथेलियों का काला होना भी पित्त प्रकृति की विशेषताएं हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों के स्वभाव में भी कई विशेषताएं होती हैं। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, याददाश्त कमजोर होना,
कठिनाइयों से मुकाबला न कर पाना व सेक्स की इच्छा में कमी इनके प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लोग बहुत नकारात्मक होते हैं और इनमें मानसिक रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। अब समझते हैं कि पित्त के बढ़ने के क्या कारण होते हैं। जाड़ों के शुरुआती मौसम में और युवा अवस्था में पित्त के बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किन वजहों से पित्त बढ़ रहा है। आइए कुछ प्रमुख कारणों पर एक नजर डालते हैं। चटपटे, नमकीन, मसालेदार और तीखे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन, ज्यादा मेहनत करना, हमेशा मानसिक तनाव और गुस्से में रहना, अधिक मात्रा में शराब का सेवन, सही समय पर खाना ना खाने से या बिना भूख के ही भोजन करना, ज्यादा सेक्स करना, तिल का तेल, सरसों, दही, छाछ, खट्टा, सिरका आदि का अधिक सेवन करना, मछली, भेड़ व बकरी के मांस का अधिक सेवन करना। ऊपर बताए गए इन सभी कारणों की वजह से पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त प्रकृति वाले युवाओं को खास तौर पर अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं कि पित्त बढ़ जाने के क्या लक्षण होते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो कई तरह के शारीरिक और मानसिक लक्षण नजर आने लगते हैं। पित्त दोष बढ़ने के कुछ प्रमुख लक्षण निम्न होते हैं। बहुत अधिक थकावट, नींद में कमी, शरीर में तेज जलन, गर्मी लगना और ज्यादा पसीना आना, त्वचा का रंग पहले की तुलना में गाढ़ा हो जाना, अंगों से दुर्गंध आना, मुंह, गला आदि का पकना, ज्यादा गुस्सा आना, बेहोशी और चक्कर आना, मुंह का कड़वा और खट्टा स्वाद, ठंडी चीजें ज्यादा खाने का मन करना, त्वचा, मलमूत्र, नाखूनों और आंखों का रंग पीला पड़ना। अगर आपने बताए गए लक्षणों में से दो या तीन लक्षण भी नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि पित्त दोष बढ़ गया है। ऐसे में नजदीकी चिकित्सक के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। अब समझते हैं कि पित्त को शांत करने का क्या उपाय है। बढ़े हुए पित्त को संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो उन कारणों से दूर रहिए जिनकी वजह से पित्त दोष बढ़ा हुआ है। खान पान और जीवन शैली में बदलाव के अलावा कुछ चिकित्सक प्रक्रियाओं की मदद से भी पित्त दोष को दूर किया जा सकता है। बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए पेट साफ करने वाली औषधि सबसे अच्छा उपाय है। वास्तव में शुरुआत में पित्त अमाशय और ग्रहणी में ही इकट्ठा रहता है। ये पेट साफ करने वाली औषधियाँ इन अंगों में पहुंचकर वहां जमा पित्त को पूरी तरह से बाहर निकाल देती हैं। पित्त को संतुलित करने के लिए क्या खाना चाहिए। अपनी डाइट में बदलाव लाकर आसानी से बढ़े हुए पित्त को शांत किया जा सकता है। आइए जानते हैं पित्त के प्रकोप से बचने के लिए किन चीजों का सेवन अधिक करना चाहिए। घी का सेवन सबसे ज्यादा जरूरी है। गोभी, खीरा, गाजर, आलू, शिमला मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। सभी तरह की दालों का सेवन करें। एलोवेरा जूस, अंकुरित अनाज, सलाद और दलिया का सेवन करें। पित्त प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए। खाने पीने की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके सेवन से पित्त दोष बढ़ता है, इसलिए पित्त प्रकृति वाले लोगों को इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। मूली, काली मिर्च और कच्चे टमाटर खाने से परहेज करें। तिल के तेल, सरसों के तेल से परहेज करें। काजू, मूंगफली, पिस्ता, अखरोट और बिना छिले हुए बादाम से परहेज करें। संतरे के जूस, टमाटर के जूस, कॉफी और शराब से परहेज करें। जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए। सिर्फ खान पान ही नहीं बल्कि पित्त दोष को कम करने के लिए जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने जरूरी हैं। जैसे कि ठंडे तेलों से शरीर की मसाज करें, तैराकी करें, रोजाना कुछ देर छाया में टहलें, धूप में टहलने से बचें। अब समझते हैं पित्त की कमी के लक्षण और इनके उपचार। पित्त में बढ़ोतरी होने पर समस्या होना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि पित्त की कमी से भी कई शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। शरीर में पित्त की कमी होने से शरीर के तापमान में कमी, मुंह की चमक में कमी और ठंड लगने जैसी समस्याएं होती हैं। कमी होने पर पित्त के जो स्वाभाविक गुण हैं वे भी अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में पित्त बढ़ने वाले आहारों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थों और औषधियों का सेवन करना चाहिए जिनमें अग्नि तत्व हो। अब समझते हैं कि साम और निराम पित्त क्या होते हैं। जब पित्त आम दोष से मिल जाता है तो उसे साम पित्त कहते हैं। साम पित्त दुर्गंध युक्त, खट्टा, स्थिर, भारी और हरे या काले रंग का होता है। साम पित्त होने पर खट्टी डकारें आती हैं
और इसमें छाती व गले में जलन होती है। इससे आराम पाने के लिए कड़वे स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। जब पित्त आम रस से नहीं मिलता तो उसे निराम पित्त कहते हैं। निराम पित्त बहुत ही गर्म, तीखा, कड़वे स्वाद वाला लाल पीले रंग का होता है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इससे आराम पाने के लिए मीठे और कसेले पदार्थों का सेवन करें। पित्त प्रकृति वाले लोगों को पित्त को बढ़ने से रोकने के लिए वीडियो में बताए गए इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि समस्या ठीक नहीं हो रही हो या गंभीर हो तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास संपर्क करें। अब जानते हैं कि कफ दोष क्या है। कफ दोष प्रद्वी और जल इन दोनों से मिलकर बना है। प्रद्वी के कारण कफ दोष में स्थिरता और भारीपन और जल के कारण तेलीय और चिकनाई वाले गुण होते हैं। यह दोष शरीर की मजबूती और इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। कफ दोष का शरीर में मुख्य स्थान पेट और छाती है। कफ शरीर को पोषण देने के अलावा बाकी दोनों दोषों को भी नियंत्रित करता है। इसकी कमी होने पर दोनों दोष अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इसलिए शरीर में कफ का संतुलित अवस्था में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जानते हैं कि कफ कितने प्रकार का होता है। शरीर में अलग अलग स्थानों और कार्यों के आधार पर आयुर्वेद में कफ को 5 भागों में बांटा गया है। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक। आयुर्वेद में कफ दोष से होने वाले रोगों की संख्या करीब 20 मानी गई है। अब जानते हैं कफ के गुणों को। कफ भारी, ठंडा, चिकना, मीठा, स्थिर और चिपचिपा होता है। यही इसके स्वाभाविक गुण है। इसके अलावा कफ धीमा और गीला होता है। रंगों की बात करें तो कफ का रंग सफेद और स्वाद में मीठा होता है। किसी भी दोष में जो गुण पाए जाते हैं उनका शरीर पर अलग अलग प्रभाव होता है और उसी से प्रकृति का पता चलता है। अब समझते हैं कफ की प्रकृति को। कफ दोष के गुणों के आधार पर ही कफ की प्रकृति के लक्षण नजर आते हैं। हर एक दोष का अपना एक विशिष्ट प्रभाव होता है। जैसे कि भारीपन के कारण ही कफ प्रकृति वाले लोगों की चाल धीमी होती है। शीतलता गुण के कारण उन्हें भूख, प्यास, गर्मी कम लगती है और पसीना कम निकलता है। कोमलता और चिकनाई के कारण पित्त प्रकृति वाले लोग गोरे और सुंदर होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने में देरी या आलस करना स्थिरता वाले गुणों के कारण होता है। कफ प्रकृति वाले लोगों का शरीर मांसल और सुडोल होता है। इसके अलावा वीर्य की अधिकता भी कफ प्रकृति वाले लोगों का लक्षण है। अब समझते हैं कि कफ बढ़ने के क्या कारण होते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में सुबह के समय खाना खाने के बाद और छोटे बच्चों में कफ स्वाभाविक रूप से ही बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए इन समयों पर विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा खानपान आदतों और स्वभाव की वजह से भी कफ असंतुलित हो जाता है। आइए जानते हैं शरीर में कफ दोष के बढ़ने के प्रमुख कारणों को। मीठे, खट्टे और चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, मांस मछली का अधिक सेवन, तिल से बनी चीजें, गन्ना, दूध, नमक का अधिक सेवन, फ्रिज का ठंडा पानी पीना, आलसी स्वभाव और रोजाना एक्सरसाइज नहीं करना, दूध, दही, घी, तिल, उड़द की खिचड़ी, सिंगाड़ा, नारियल, कद्दू आदि का सेवन। अब समझते हैं कफ बढ़ जाने के लक्षणों को। शरीर में कफ दोष बढ़ जाने पर कुछ खास तरह के लक्षण नजर आने लगते हैं। आइए कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जानते हैं। हमेशा सुस्ती रहना, ज्यादा नींद आना, शरीर में भारीपन, मल मूत्र और पसीने में चिपचिपापन, शरीर में गीलापन महसूस होना, शरीर में लेप लगा हुआ महसूस होना, आंखों और नाक से अधिक गंदगी का स्त्राव, अंगों में ढीलापन, सांस की तकलीफ और खांसी और डिप्रेशन। कफ को संतुलित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले उन कारणों को दूर करना होगा जिनकी वजह से शरीर में कफ बढ़ गया है। कफ को संतुलित करने के लिए आपको अपने खानपान और जीवन शैली में जरूरी बदलाव करने होंगे। आइए सबसे पहले खानपान से जुड़े बदलावों के बारे में जानते हैं। कफ को संतुलित करने के लिए क्या खाना चाहिए? कफ प्रकृति वाले लोगों को इन चीजों का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। बाजरा, मक्का, गेहूं, किनोवा, ब्राउन राइस, राई आदि अनाजों का सेवन करें। सब्जियों में पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी सेम, शिमला मिर्च, मटर, आलू, मूली, चुकंदर आदि का सेवन करें। जैतून के तेल और सरसों के तेल का उपयोग करें। छाछ और पनीर का सेवन करें। तीखे और गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करें। सभी तरह की दालों को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। नमक का सेवन कम करें।
पुराने शहद का उचित मात्रा में सेवन करें। कफ प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए। मैदे और इससे बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एवोकेडो, खीरा, टमाटर, शकरकंद के सेवन से परहेज करें। केला, खजूर, अंजीर, आम, तरबूज के सेवन से परहेज करें। अब जानते हैं जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए। खानपान में बदलाव के साथ कफ को कम करने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना भी जरूरी है। आइए जानते हैं बढ़े हुए कफ को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। पाउडर से सूखी मालिश या तेल से शरीर की मसाज करें। गुनगुने पानी से नहाएं। रोजाना कुछ देर धूप में टहलें। रोजाना एक्सरसाइज करें, जैसे कि दौड़ना, ऊंची व लंबी कूद, कुश्ती, तेजी से टहलना, तैरना आदि। गर्म कपड़ों का अधिक प्रयोग करें। बहुत अधिक चिंता न करें। देर रात तक जागें। रोजाना की दिनचर्या में बदलाव लाएं। ज्यादा आराम पसंद जिंदगी ना बिताएं, बल्कि कुछ ना कुछ करते रहें। कफ के बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर उल्टी करवाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा तीखे और गर्म प्रभाव वाली औषधियों की मदद से उल्टी करवाई जाती है। असल में हमारे शरीर में कफ अमाशय और छोटी आंत में सबसे ज्यादा होता है। उल्टी करवाने से इन अंगों से कफ पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। अब समझते हैं कि कफ की कमी के क्या लक्षण होते हैं। कफ के बढ़ जाने से तो समस्याएं होना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि कफ की कमी से भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं? जी हाँ, यदि शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाए तो आपको निम्न तरह के लक्षण नजर आएंगे। शरीर में रूखापन, शरीर में अंदर से जलन महसूस होना, फेफड़ों, हड्डियों, हृदय और सिर में खालीपन महसूस होना, बहुत अधिक प्यास लगना, कमजोरी महसूस होना और नींद की कमी। कफ की कमी के क्या उपचार होते हैं। कफ की कमी होने पर उन चीजों का सेवन करें जो कफ को बढ़ाते हैं, जैसे कि दूध, चावल। गर्मियों के मौसम में दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है, इसलिए कफ की कमी होने पर आप दिन में कुछ देर जरूर सोएं। शाम और निराम कफ। जब कफ आम रस से मिला होता है तो यह स्वच्छ तार की तरह आपस में मुड़ा हुआ, गले में चिपकने वाला, गाढ़ा और बदबूदार होता है। ऐसा कफ डकार को रोकता है और भूख को कम करता है, जबकि निराम कफ झाग वाला, जमा हुआ, हल्का और दुर्गंध युक्त होता है। निराम कफ गले में नहीं चिपकता और मुंह को साफ रखता है। अगर आप कफ प्रकृति के हैं और अक्सर कफ के असंतुलित होने से परेशान रहते हैं तो वीडियो में बताए गए नियमों का पालन करें। यदि समस्या ठीक नहीं हो रही हो या गंभीर हो तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें।